सदगुरु कबीर ने कहा है, खखा चाह खोरी मनावे। ज्ञान चौंतीसा सदगुरु कबीर के बीजक में एक प्रकरण है। सदगुरु कबीर के मूल बीजक में कुल मिलाकर के 11 प्रकरण में एक प्रकरण है ज्ञान चौंतीसा, जिसमें 34 अक्षर के माध्यम से सदगुरु ने संकेत किया है और ख अक्षर के माध्यम से कहते हैं, खखा चाहे खोरी मनावे। खखा का अर्थ होता है शांति। यदि शांति चाहते हो तो खोरी, खोरी कहते हैं गली को। सदगुरु कबीर का संकेतात्मक संकेत है, यदि शांति चाहते हो तो इंद्रियों को मना लो, मन को अपने वश में कर लो, तो जीवन में शांति मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इंद्रिया ही नहीं परमार्थी ही विषया ही वर्तन्ते। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, पार्थ, जो लोग इंद्रियों से यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, उनको भी ये इंद्रिया कहीं के कहीं ले जा करके गिरा देती है, कहीं भी पटक देती है, यदि सावधान न रहा तो। और सावधान न रहा तो जानवर आदमी भी फिसल जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं, इंद्रियां ही नहीं परमार्थी ही विषया ही वर्तन्ते। इंद्रियों से जो यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वो भी कभी कभी साधना में विफल हो जाते हैं सावधान नहीं रहने से। इंद्रियां क्या है? हमारी आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये हमारे इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये कैसे हैं? जैसे कोई आदमी एक कपड़ा छोटा सा लेता हो और उसमें सरसों के दाने उस पर बांधता हो पोटरी, और कोई पोटरी फिसल जाता है तो पोटरी के गांठ खुल जाते हैं, तो सरसों के दाने यहीं पर बिखर जाएगा। और सरसों के दाने बिखरेंगे, कोई गलीचा के नीचे चले जाएगा, कोई गद्दे के नीचे चले जाएगा, कोई दरार में चला जाएगा, उस सरसों के दाने को बटोरना बहुत कठिन हो जाएगा। कि हमारी इंद्रियां कैसे हैं? सरसों के दाने की तरह है। यदि सावधान नहीं रहे, असावधान हुए, तो जीभ रसपान में आनंद लेगा, आंख देखने में आंख से दर्द हो रही है, रात्रि में सीरियल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, फिल्म देखते चले जा रहे हैं, आंखों से चुभन आ रही है, लेकिन मन कहता है थोड़ा और देख लो, और देख लो, देखते चले जा रहे हैं। एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि आंख जवाब दे देती है। जब अच्छा अच्छा खाने का पदार्थ आता है सामने, तो खाए ऊपर खाए चले जा रहे हैं, 2 खा लिए, 4 खा लिए, 6 खा लिए, अंदर पेट से जवाब आ रही है, बस करो बेटा, अंदर मत डालो, खतरा का निशान है। मन कहता है थोड़ा और ले लो ना, मीठा तो है, क्या होता है। और 2 के जगह 4 डाल देते हैं, दूसरे दिन बेड में पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। इंद्रियों में संयम नहीं तो यही तो होगा। संयमी लोगों का परिभाषा अलग है। संयमी आदमी कभी गाली नहीं देते हैं, असंयमित लोग गाली देते हैं। मैं कल कहा था, जो आदमी होश में रहेंगे क्या वो गाली देंगे? असंयमित लोग ही गाली देंगे। हम सोए हुए हैं इसलिए गाली देते हैं। कल भी इस चीज को कहा था, हम जागे रहते तो जागे लोगों की अलग दशा होती है। जागे लोग कौन है? बुद्ध, कबीर, महावीर, ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण, दादो, नानो, पलटो, ये सारे संत महापुरुष जागे लोग हैं। हम सबको जगा करके चले गए। इसलिए इंद्रियों के प्रति बहुत सावधानी की आवश्यकता है। जिसकी आज हम गाथा पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा आज करते हैं, ये इंद्रिय संयम में महान पुरुष हुए हैं, उन लोगों की चर्चा करते हैं। जब नेपोलियन बोनापार्ट जब पढ़ाई करता था, तो पढ़ाई के दौरान इतना पढ़ाई में इतना तल्लीन होता था, उसको इधर उधर नाच नौटंकी पसंद नहीं,
उसको किसी से बात विवाद करना पसंद नहीं। अपने पढ़ाई जीवन में इतना व्यस्त था वो। अब पढ़ाई के दौरान इंद्रियन नेपोलियन बोनापार्ट जिस कमरे में किराए के रूम में रहता था वो मकान मालकिन आकर के उनको रिझाना चाहती थी, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट उनके चंगुल में नहीं फंसता है। जब नेपोलियन बोनापार्ट कुछ दिन बाद फ्रांस का प्रधान सेनापति बनता है, साधारण सेनापति नहीं, एक साधारण सैनिक नहीं, फ्रांस का प्रधान सेनापति बनता है, तो घुड़सवार होकर के उनके पाछे घुड़सवार लोग पीछे पीछे, आगे घुड़सवार लोग पीछे पीछे आते हैं, और जिस मकान किराए के मकान पर रहता था वही मकान पे आकर के वो मकान मालकिन से पूछता है, उसी मकान मालिक से पूछता है, तुम क्या नेपोलियन बोनापार्ट नाम के व्यक्ति को जानते हो बहन? वो बहन बोलती है, हाँ अच्छी तरह से जानता हूँ, जानती हूँ। उसके बारे में क्या पूछना, उनका जीवन ही रसहीन जीवन है, संगीत विहीन जीवन है, रसहीन जीवन है, उनके जीवन में कोई रौनकता नहीं है, उनके जीवन में कोई ओज नहीं है, बस पुस्तकों का कीड़ा है वो, पुस्तकों का कीड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट हंसते और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहन जिसके बारे में तुम चर्चा कर रहे हो ना, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, रसहीन और संगीतहीन और ओजहीन, जिसके जीवन में कोई सौंदर्य ही नहीं, वो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ मैं। अगर मैं तुम्हारे चंगुल में फंस जाता तो आज मैं फ्रांस का प्रधान सेनापति नहीं बल्कि एक फ्रांस का एक साधारण सा सैनिक होता, फ्रांस का प्रधान सेनापति नहीं बनता। ये संयमी लोगों की कहानी है। जब लड़ाई के युद्ध में, युद्ध मैदान में युद्ध चल रहा था, तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का प्रधान सेनापति है, अपने प्रेसी को पत्र लिखते हैं, और वो पत्र का जब लीलामी हुआ है, आप पुस्तकें देखना तो लाखों लाखों रुपये में उस पत्र का लीलामी हुआ है। उधर बंदूकें बल तलवारें बरस रही है, इधर गोलियां बरस रही है, उधर अपने बंदूक और तलवार बरसते हुए पर अपने घोड़े का नाल अपने मुंह पर ले लेता है और बैठ करके सावधान होकर के बंदूकें भी चल रही है, अपने को बचा भी रहा है और प्रेसी को पत्र लिख रहा है। जब वही पत्र बिकता है तो लाखों लाखों रुपयों में बिकता है। हमारे जीवन में कितना संयम है, कितना संयम है हमारे जीवन में। जानवर के जीवन में जितना संयम होता है, सोए हुए लोगों के जीवन में उतना संयम नहीं है, बेहोशी व्यक्ति के जीवन में उतना संयम नहीं है। आदमी एक ऐसा खूंखार हो गया है, जो आदमी जो शाकाहारी होना चाहिए वो सब कुछ भक्षण कर जाता है, अंडा भी खा जाता है, मांस और मछली भी खा जाता है, बड़े बड़े जानवर भी नहीं बचते हैं। आदमी ऐसा जानवर बन चुका है अब, कुछ आदमी बड़े बड़े जानवर भी नहीं बच पाते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, आदमी का अन्न है, अन्न है प्रकृति का देन है, फल फूल अन्न है उसका, चावल धे गेहूँ धान ज्वार बाजरा मक्का ये उनका अन्न है। आदमी की प्रकृति नहीं है मांस खाना, लेकिन आदमी सबको हजम कर जाता है और आदमी कहता है कि हम इंसान है। किस नजरिए से इंसान है? जानवर के पास में यदि गाय है, गाय के पास में कितना ही भूखा क्यों ना हो, भूखी क्यों ना हो, उनके सामने मुलायम मुलायम मांस रख दिया जाए, गाय मर जाएगी लेकिन मांस को टच भी नहीं करेगी, गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। शेर के पास में आप कितने ही भूखा हो, कितने ही मुलायम मुलायम हरे घास रख दो, लेकिन शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, खाएगा तो मांस ही खाएगा, क्योंकि प्रकृति द्वारा निर्धारित है। और आदमी कैसा है? सीखना चाहिए संयम। संयम के बिना जीवन में विकास नहीं कर सकते हैं, संयम के बिना हम बच्चों को परिवार को संचालित नहीं कर सकते हैं। और जो आदमी संयमी होगा, जो आदमी शासक होगा, और शासक और मुखिया और घर के सदस्य को सबसे ज्यादा सावधान होने की जरूरत होती है।
जो आदमी सही पथ पर चलेगा वही लोगों को सही मार्ग बता सकता है, अन्यथा लोगों को सही मार्ग वो नहीं बता सकता है, क्योंकि उस पथ पर चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। संयमी आदमी का चलने के तरीके अलग होते हैं, बोलने के तरीके अलग होते हैं। संयमी आदमी हमेशा मीठे और धीरे बोलते हैं, संयमी आदमी हमेशा संयम से कहते हैं। जब महात्मा गांधी की पत्नी को ब्लड प्रेशर उनका बढ़ चुका था और उनको नमक नहीं खाना था, नमक नहीं खाना था और डॉक्टर ने उनको नमक मना किया था, पर भी महात्मा गांधी की पत्नी कभी कभी बीच में नमक खा लिया करती थी। ये गांधी जी को पता चला, और गांधी जी को पता चला तो एक दिन गांधी जी अपने पत्नी भोजन कर रहे, उसके भोजन छीन करके खाया और चखा, और अपने पत्नी को बोलता है तुम नमक खाते हो, तुमको डॉक्टर मना किए हैं पर भी नमक खा रहे हो, अब तुम खाओ या मत खाओ, मैं 6 महीना के लिए नमक को टच भी नहीं करूंगा। उनकी पत्नी मनाती है मेरी बीमारी है, आप क्यों नमक छोड़ रहे हो। तो पति गांधी जी कहते हैं आखिर हम दोनों पति और पत्नी हैं, अर्धांगनी है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तो मैं नमक खाऊं और तुम नमक ना खाओ कैसे चलेगा, इसलिए मैं आज से 6 महीने के लिए नमक छोड़ता हूँ, नमक को टच भी नहीं करूँगा। ये संयमी लोगों की कहानी है। जीवन में संयम चाहिए, संयम चाहिए। जिस व्यक्ति के पास संयम रूपी शस्त्र है, जिस व्यक्ति के पास में संयम रूपी धन है, वो व्यक्ति इस दुनिया में कहीं भी चला जाएगा और बादशाह की तरह जी सकता है। महात्मा गांधी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, इतना में जीवन का निर्माण हो जाता है। इतना आदमी कर ले तो जीवन निर्वाण की स्थिति में चला जाता है। निर्वाण शब्द भगवान बुद्ध से शुरू हुआ है, और भगवान बुद्ध एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिसके वजह से भारत को धर्म प्रधान देश, धर्म गुरु के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध की याद आई तो मुझे कभी कभी लगता है विडंबना सी हो जाती है। इस भारत देश को भगवान बुद्ध के वजह से, भगवान बुद्ध की ही वजह से धर्म गुरु के नाम से इस भारत देश को माना जाता है। और जिस समय भगवान बुद्ध उस समय उनके पीछे पीछे हजारों भिक्षु चलते थे, हजारों भिक्षु चलते थे उनके पीछे, 2-4, 50-60, 2-4 हजार नहीं, हजारों भिक्षु उनके पीछे चलते थे। लेकिन भगवान बुद्ध के जाने के बाद, भगवान बुद्ध के जाने के बाद बौद्धिस्टों ने भगवान बुद्ध की ऊंची ऊंची मूर्तियां बनाना शुरू कर दिए। 100-100 फीट, 150-150 फीट की मूर्तियां बनाना शुरू कर दिए। राजाओं से महाराजाओं से मिलते थे और पैसा ऐंठते थे उनके अनुयायी लोग, और मूर्तियां बनाना शुरू कर दिए। भगवान बुद्ध की ध्यान साधना तप सब किनारे रह गया, सिर्फ मूर्ति की स्थापना रह गई थी, सिर्फ मूर्ति की स्थापना रह गई। धीरे धीरे समाज में एक ऐसा विडंबना आया कि देखिए बौद्धिस्ट लोग के पास कुछ नहीं है जीवन में, खाना पान मंडा अंडा मांस मछली सब चल रहा है, सिर्फ मूर्ति की स्थापना होती चली जा रही है, जीवन में कोई साधना नहीं है, मूर्तियां बनाते चले जा रहे हैं पैसा लोगों से ऐड करके। धीरे धीरे बौद्ध पूरा खत्म हो गया, भगवान बुद्ध की बौद्धिस्ट खत्म हो चुका है आज हमारे भारत देश में, जिस वजह से पूरा दुनिया हमारे सामने झुकती थी, जिस वजह से भगवान बुद्ध की वजह से पूरी दुनिया इस चरणों में गिरती थी, आज हमारे भारत देश में बौद्धिस्ट एकदम नहीं के मात्रा में रह गए हैं। ठीक ऐसे ही कबीर पंथ में हो रहा है, सिर्फ कबीर कबीर पूछते जाइए आप मुक्ति हो जाइए, इतना विडंबना कबीर पंथियों की, मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन सत्य बात है, सिर्फ कबीर की पूजा करो मुक्ति मिल जाएगी, हो ही नहीं सकता ये। जीवन बदलता है आचरण से, जीवन बदलता है कर्मों से, जीवन बदलता है वैचारिक क्रांति लाने से, न बुद्ध की पूजा करने से, न कबीर की पूजा करने से, न ईसा की, न मोहम्मद की, न राम की, न कृष्ण की, न देवी के, न देवता का किसी की पूजा करने से जीवन में खास परिवर्तन नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए मानसिक शांति मिल सकती है लेकिन जीवन बदल जाए नहीं हो सकता है। जो काम बौद्धिस्टों ने किया वही काम आज हमारे भारत देश में कुछ कबीरपंथी कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, कहते हैं बस कबीर का नाम जपो सारे पाप भस्म,
कबीर पंथियों से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा आडंबर न चलाए। कबीर पंथ में जिस कबीर सदगुरु कबीर ने जिस बात को, जिस परंपरा को तोड़ने का प्रयास किया, जिस मूर्ति पूजा को तोड़ने का प्रयास किया, कबीर साहब मूर्ति पूजा के विरोधी एकदम विरोध नहीं करते थे। वो कहते थे जैसे अपने हिसाब से देखो और अपने हिसाब से करो, सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सारे लोगों के बातों को सुनो लेकिन करो अपने हिसाब से। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ मूर्ति पूजा को मुख्य स्थान दिया, इसलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं, पहाड़ ताते तो चक्की भली, पीस खायो संसार। और आज कबीर पंथी क्या करते हैं, कबीर की मूर्ति स्मारक बना लिए सिर्फ पूजा। पूजा गलत नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है। उससे ज़्यादा बेहतर है कि माँ बाप की पूजा कर, नई चीज़ मैं हर जगह कहता हूँ। उससे ज़्यादा बेहतर है अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का पूजा करके उनके चरणों में झुक जाना। वो हमको ज्ञान देंगे, हमारी समस्याएं में हमारे सामने खड़े होंगे, हमारी विपत्ति में हमारे सामने आएंगे। न वहाँ पर बुद्ध आएंगे, न कबीर आएंगे, न महावीर आएंगे, न आपके मोदी जी आएंगे, न आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे। आपके सामने आपके परिवार वाले ही आपके सामने आएंगे। उनके साथ प्रेम और आनंद की जिंदगी हम क्यों नहीं जीते हैं? प्रेम और मुस्कुरा करके चर चर इंच जमीन के लिए, छः छः इंच जमीन के लिए आपस में भाई भाई लड़ करके दीवान दरारे खड़े कर देते हैं। संपत्ति का बंटवारा पूरा नहीं है। बुरा है मन में पर्दा डाल लेना, घर में पर्दा डालना बुरा नहीं है लेकिन मन में पर्दा डाल लेना बुरा है। हम इतना पर्दा मत डाले, अपने परिवार को विखंडित मत करते चले जाए, परिवार में प्रेम और आनंद की जिंदगी जी। एक बुढ़िया माँ करीब करीब 60 साल की अवस्था रही होगी, 60 साल की अवस्था रही होगी। उनके मन में एक चर्चा थी, उन लोगों सुनते थे, लोगों से मन में सुनते थे कि गंगा स्नान करने से मुक्ति मिलती है। बहुत चर्चा थी उनके मन में, होता था कभी मैं गंगा स्नान कर लूँ। बुढ़िया माँ के मन में होता था कभी मैं गंगा स्नान कर लूँ। धीरे 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 एक दिन निकलती है और बेचारी दो कोस धीरे धीरे दो दिन में वो पहुँचती है, दो दिन में पहुँचती है, गंगा के करीब चले जाती है और गंगा में स्नान करती है, गंगा में डुबकी लगाती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गंगा स्नान करने के लिए जाती है, गंगा में प्रवेश कर जाती है और गंगा में स्नान करके निकलती है। गर्मी का दिन था, बुढ़िया माँ से चले नहीं जा रहा था। बुढ़िया माँ करती क्या है, बगल में एक ऊँट बैठा था, एक ऊँट बैठा था। बुढ़िया माँ उस ऊँट के ऊपर बैठ जाती है और जैसे ही बुढ़िया माँ बैठती है ऊँट के ऊपर ऊँट चल पड़ता है। ये कोई बुढ़िया माँ की कहानी नहीं है, आप सुनिएगा कैसे हो रहा है। ये बुढ़िया माँ ऊँट पर बैठ जाती है, ऊँट चल पड़ता है और ऊँट आगे बढ़ते चले जा रहा है। लोग देखते हैं बुढ़िया माँ के, बुढ़िया माँ को पूछते हैं, बुढ़िया माँ कहाँ चली जा रही हो ऊँट में सवार होकर के? बुढ़िया माँ बोलती है, बेटा जिधर ऊँट ले जाए उधर ही चली जाऊंगी क्योंकि मेरे हाथ में ऊँट का नखेल नहीं है। एक बुढ़िया माँ की कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है। हमारी इंद्रियां जिधर ले जा रही है, ऊँट क्या है, इंद्रियां हैं। हमारे इंद्रियां जिधर ले जा रही उधर हम दौड़ते चले जा रहे हैं। जो चीज नहीं देखना ये वो देख ले रहे हैं, जो चीज जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो रसपान नहीं करना चाहिए वो रसपान कर ले रहे हैं, जो बातें नहीं करना चाहिए वैसे बातें करके दरारें पैदा करते चले जा रहे हैं। ये बुढ़िया माँ की कहानी नहीं है, हम सबकी कहानी है। जीवन में संयम चाहिए। देखो तो दृष्टि सम हो, चंचलता भी कम हो, आंखें ना तुम लड़ाओ भला कौन तुम्हें बिगाड़ेगा। बोलो तो पहले तो लो कब कहां कितना उचित है। जुबा न तुम लड़ाओ भला कौन तुम्हें बिगाड़ेगा। बातें न तुम लड़ाओ भला कौन तुम्हारे बोलेगा। संयम की परिभाषा जीवन में चाहिए। संयम जानवरों में, संयम है बताया, जानवरों में संयम होता है। एक घर, एक संत गए और संत गए, एक बच्चा खेल खेल रहा था, उनके पास में खिलौना था।
एक खिलौना था, उसमें इंक्लूड किया जाता सॉफ्टवेयर ऐसा डाला था कि वो गो कहने से चल पड़ता था और कम कहने से रुक जाता था। एक बच्चा बोलता है, महाराज जी मैं एक तमाशा दिखाऊं। महाराज जी कहते हैं, हाँ दिखाओ, आप बोलो गो तो ये चल पड़ेगा और कम कहो तो रुक जाएगा। महाराज जी कहते हैं गो, वो खिलौना चल पड़ता है। महाराज जी से वो बच्चा कहते हैं, महाराज जी कम कहो तो रुक जाएगा, वो कम रुक जाता है। काश इंद्रियों में भी ऐसा होता कि गो कहे और इंद्रियां चल पड़े, कम कहे और रुक जाए, इंद्रियां अपने कंट्रोल में हो जाए। आज हमको इंद्रियां नहीं चला रही है, आज हम इंद्रियों को नहीं चला रहे हैं, इंद्रियां हमको चला रही है। आज हम इंद्रियों के इशारे पर नाचे जा रहे हैं, हम इंद्रियों को अपने इशारे पर नहीं नचा रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। हम सब कुछ को बटोरते हैं, सब कुछ करते हैं, और जो मेन केंद्र में है, जीवन परिवर्तन कैसे होता है, अंतःकरण की पवित्रता सबसे मूल चीज है। घर पवित्र है, कपड़े पवित्र है, गाड़ी घोड़े पवित्र है, मकान अच्छा दिख रहा है, क्या अंदर भी साफ है? अंदर तो पूरा कलिमस भरा हुआ है, इसके प्रति शिकायत, उसके प्रति शिकायत, पापा अच्छा नहीं है, मम्मी अच्छे नहीं है, सासू माँ ठीक नहीं है, देरानी ठीक नहीं है, जेठानी ठीक नहीं है, भाई ठीक नहीं, पड़ोसी, क्या करेंगे इतना बटोर बटोर करके। हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो यही लेकर के जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्या जाएगा, संग चले सो धन है संतो, छूट जाए सो माया, करो तैयारी ऐसे धन की, आगे होए सहाया संतो, आगे होए सहाया। कौन सी चीज बटोर रहे हैं हम? मैं संपत्ति का विरोधी नहीं हूं, हमको भी संपत्ति चाहिए भाई, नहीं चाहिए नहीं, जीना है तो कपड़े चाहिए, खाना है तो भोजन चाहिए, रहना है तो मकान चाहिए, लेकिन केंद्र में वो नहीं है, केंद्र में वो नहीं है, केंद्र में हम है। हम है तब संपत्ति का महत्व है, हम है तब गाड़ी का महत्व है, हम है तब धन का महत्व है, हम है तब मकान का महत्व है, हम है तब परिवार के सदस्यों का महत्व है, और हमारा मन ठीक है तो सब अच्छे हैं, मन खराब तो सब बेकार। मैं उस दिन भी कहा था, यदि मन खराब है तो जिंदा व्यस्ता बाइबल कुरान महाभारत रामायण कुछ भी काम नहीं आएगा, ना पत्नी काम आएगी, ना बच्चे काम आएंगे, ना पिता काम आएंगे, ना पुत्र काम आएंगे, ना पड़ोसी काम आएंगे, ना गांव वाले काम आएंगे। मन खराब है तो कोई काम नहीं आएंगे, और मन अच्छा है तो, मन खराब है तो मिठाई भी पसंद नहीं आएगी, प्रिय से प्रिय चीज अप्रिय लगेगा, और मन अच्छा है तब पत्नी काम आती है, पति काम आते हैं, पिता काम आते हैं, पुत्र काम आते हैं, माँ काम आती है। मन अच्छा है तब सब काम आते हैं, अब मन खराब है तो सब बिगड़ जाता है। मन को बनाए रखना, इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, एक साधे सब साधिया, एक क्या है, एक मूल को साध लीजिए, मूल है मन, मन को साध लेंगे तो सब साध जाएगा, और मन को नहीं साधे तो सब बिगड़ जाएगा। उदाहरण देते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, सबको साधने से एक चीज चला जाता है अगर मूल को नहीं साधे तो। कैसे उदाहरण देते हैं, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए, जैसे पेड़ की जड़ को सींचने से फलता है, फूलता है, पेड़ फलों से लद जाता है, और यदि हमने सिर्फ पत्तियों में पानी डाला, सिर्फ तने में पानी डाला, सिर्फ बाहर बाहर पवित्रता करते गए, बाहर पानी सिरचते गए और जड़ में पानी नहीं डाले तो क्या होगा, सब चौपट चला जाएगा। और मन को साधेंगे तो मन की साधना करेंगे, मन की साधना करने वाले के मन से तो संचालित होता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंद्रियां ही नहीं परमार्थी, इंद्रियों से जो यत्न प्रयत्न करते हैं उन लोगों के लिए है ये। यदि हम मन से साधना करेंगे, मन की साधना करेंगे तो हम इंद्रियों को अपने इशारे पर चलाएंगे और इंद्रियां को अपने अंकुश में रखेंगे, और यदि हमने इंद्रियों को नहीं साध पाया तो इंद्रियां हमको अपने वश में चलाती है, तब कहां जाते हैं, दारू के भट्टी में जाते हैं, बूचड़खाने में जाते हैं, ताश गृह में जाते हैं, विश्वविद्यालय में जाते हैं, गलत जगहों में जाते हैं, क्योंकि हम
अपने हिसाब से अपने अंकुश में नहीं है हमारा मन, हम भटकते रह जाएंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। संयम की बहुत जरूरत है। संयम के बिना जीवन में विकास ही नहीं कर सकते हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, इसलिए खक्खा चाहते हो, शांति चाहते हो, तो खोरी खोरी मतलब गलियों इंद्रियों को मना लो, इंद्रियों को मना लो। एक विदेश का व्यक्ति एक मंदिर में जाना चाहा और मंदिर में जाने के लिए वो प्रवेश करना चाहता है, और प्रवेश करना चाहता है तो उसमें प्रवेश द्वार पर ही लिखा था कि यहाँ कोई भी वस्तु, छोटा सा छोटा वस्तु, मोबाइल पेन कुछ भी अंदर ले जाना वर्जित है, झोला झोली कुछ भी नहीं ले जा सकते। अब उस व्यक्ति के पास करीब करीब 16 सदस्य थे और सभी के पास में विदेश से आए थे कीमती से कीमती वस्त्र, कीमती से कीमती कपड़े, कीमती से कीमती गहने, कीमती से कीमती मोबाइल था, कैमरा था, वीडियो कैमरा था, लैपटॉप था, सारे चीज उनके पास। अब छोड़े तो किनको, किनके पास छोड़े? उनके पास में एक कुत्ता था, एक डरावना सा कुत्ता, एकदम खूंखार, दिखने से भी बहुत खूंखार दिखता था। सारे अपने सामान को उतारे और उतारे, मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं ये घटना है ये। सारे सामान को उतारे और मंदिर के बाहर एक जगह रख दिए और अपने कुत्ता को कहता है, बेटा सावधान रहना, इसकी रक्षा करना, हम लोग घूम करके आते हैं। करीब करीब मंदिर को परिक्रमा करने में 4 घंटा लगता है और 4 घंटे तक कुत्ता टस से मस नहीं होता है, किसी की हिम्मत नहीं कि उनके सामान को कोई टच कर सके। कुत्ता वहां बैठा है, किसी की हिम्मत नहीं उनके सामान को टच कर सके। उनके पास में लाखों के कीमती सामान है और कुत्ता वहां बैठा रखवाली कर रहा है। 4 घंटा बाद आता है, अपने सब सामान उठाते हैं और चले जाते हैं। ये साधारण कुत्ता नहीं है, एक कुत्ता में इतना संयम है, तो जानवरों में इतना डिसिप्लिन है, इंसान में क्या डिसिप्लिन है? इंसान के पास कोई नियम ही नहीं है, और इंसान के पास ही एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया में अद्वितीय है, इसके अलावा किसी के पास शक्ति नहीं। वो कौन सा शक्ति है? मन की शक्ति, मन की साधना। बोझा उठाने में जितना वजन एक घोड़ा उठाता है, उतना वजन इंसान नहीं उठा सकता है। शरीर भारी में जितना भारी भरकम 1000 टन किलो एक मछली होती है, उतना टन कुछ भी नहीं है। जब पनडुब्बी पानी, जब मछलियां पानी में डूबती है तो बहुत दूर आगे निकलती है, आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। जब चिड़िया आकाश में उड़ता है, उड़ती है चिड़िया, तो कई किलोमीटर उड़ करके नीचे आती है, आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। हाथी इतना भरकम शरीर, देखने से भी खतरनाक, आदमी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आदमी के पास एक ऐसी शक्ति है जो सारे शक्ति को, सारे ताकत को, सारे ऐश्वर्य को, सबके ऐश्वर्य को फीका कर देता है। आदमी के पास मन की शक्ति है, मन की शक्ति है। वैज्ञानिक लोगों का शोध है, वैज्ञानिकों के अंदर वो शक्ति है, वो जागृति कौन सी है? इंद्रियों में संयम, जो संयम करेगा वही वैज्ञानिक बन सकता है। एक वैज्ञानिक एक दिन अचानक, उनको अपने चश्मा, अपने अपना चेहरा शीशा में देखना हुआ तो उनको आश्चर्य हुआ, मेरा बाल पक गया है। उनको पता भी नहीं था बाल पक गया है। वो अपने काम में लीन थे, अपने काम में लीन थे। हमारे जीवन में कितना संयम है? हम शांति चाहते हैं, शांति के लिए कितना मेहनत करते हैं हम। मैं कल भी कहा था, धन के लिए मेहनत करते हैं, धन बढ़ता है, परिवार के लिए मेहनत करते हैं, परिवार बढ़ता है, ऐश्वर्य के लिए मेहनत करते हैं, ऐश्वर्य बढ़ता है, गाड़ी घोड़े के लिए मेहनत करते हैं, गाड़ी घोड़ा बढ़ता है। क्या हम शांति के लिए मेहनत करते हैं? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यहाँ बहुत लोग बैठे का उद्देश्य बहुत कुछ अलग अलग होगा, और मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, अपना उद्देश्य सभी लोग टारगेट रखे सामने, और सबका उद्देश्य होना चाहिए जीवन सुखमय और सहज हो, और मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए अत्यंतिक सुख की प्राप्ति। शब्द कितना सरल है, और इसकी इसको जीने में पूरा जीवन बीत जाएगा, पूरा जीवन बीत जाएगा। अत्यंतिक सुख, अत्यंतिक का मतलब होता है कभी नहीं छूटने वाला,
जो हमेशा हमेशा साथ में बना रहे वह सुख की प्राप्ति, क्या उस सुख प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं? इसलिए संयम की जरूरत है। संयम के बिना जीवन में हम विकास नहीं कर सकते हैं। संयम के बिना हम अपना परिवार में एक नए माहौल तैयार नहीं कर सकते हैं। जो संयमी बुजुर्ग होगा, घर के मुखिया होगा, वो सब लोगों को हैंडल करेगा। और कोई घर का मुखिया बड़बड़ बड़बड़ करना शुरू कर दे और लोगों को कहे तुम चुप रहो, तो घर के छोटे से बच्चा कहेंगे ए बुढ़ाओ तुम चुप रहो, घर के बच्चे डांट देंगे। इसलिए संयम चाहिए। खुद का विकास इसी से होता है। सदगुरु कबीर हम सबको संकेत करते हैं, यदि शांति चाहते हो अकेले में बैठे आत्मचिंतन करें। कितना समय निकालते हैं हम अपने लिए? कितना समय निकालते हैं? हमको सब काम करना चाहिए, खेती का, व्यापार का, बिजनेस का, आना जाना, गाड़ी घोड़ा, सब काम करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी हमको अपने लिए समय निकालना चाहिए, जिससे हमको आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन करना चाहिए। आपके जीवन में बहुत सारे चैप्टर होंगे, बहुत सारे चैप्टर होंगे, ये काम करना है, वो काम करना है, भोजन बनाना है, घर की सफाई करना है, खेत जाना है, खलिहान जाना है, ड्यूटी में जाना है, बच्चे को स्कूल ले जाना है, ये बहुत सारे विषय आपके जीवन में होंगे। और आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इन सारे विषय के बाद भी आप अपने जीवन में एक चैप्टर और एक विषय और जोड़ लीजिए। अब मुझे जीवन को एक नए दिशा देना है। आप सभी से निवेदन है कि अपने जीवन में एक चैप्टर और जोड़ लीजिए। उस चैप्टर के लिए आप कम से कम प्रत्येक दिन आधा घंटा एक घंटा टाइम निकालिए। अब मुझे जीवन को एक नए दिशा देना है, जिसमें मेरा जीवन हंसता मुस्कुराता हुआ और प्रेम और आनंद से ज़िंदगी कट जाए। यही जीवन की सफलता है, यही जीवन की सफलता है। बाकी सब कुछ छोड़ करके हम चले जाएंगे इस दुनिया से, सब कुछ छोड़ करके चले जाएंगे, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए जीवन में वो कमाई करिए जो आपको सुकून महसूस हो। संत जन कहा करते हैं, दिन के उजाले में वो काम करो कि रात को बिस्तर में जाते ही नींद, आपके आंखें बंद होते ही नींद लग जाए, करवटें बदलते ना रह जाए आप। और रात के अंधेरे में वो काम करो कि रात के अंधेरे में वो काम करो कि दिन के उजाले में आपको किसी के सामने सर ढकना, सर झुकाना ना पड़े, सर ना छिपाना पड़े, अपना चेहरा ना छिपाना पड़े। आप जब भी आप वो काम करो कि आप जो काम कर रहे हैं उसको देखे आपके परिवार के सदस्य, देखे आपके बच्चे, देखे आपके माता पिता, देखे तो आपके बच्चे, आपके माता पिता का सीना चौड़ा हो जाए कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो काम कभी मत करना जो काम करते कोई आपके परिवार के सदस्य देख ले तो आपको शर्मिंदा से अपना सर झुकाना पड़ जाए, सर झुकाना पड़ जाए। जीवन की तो यही सफलता है, यही तो जीवन की कमाई है। और क्या कमाएंगे जीवन में? और सदगुरु कबीर का यही शिक्षा है, यही धर्म है। धर्म यही है, कर्तव्य का पालन करते चले जाए। धर्म इतना नहीं कोई आदमी सफेद वस्त्र धारण कर ले, इतना से कोई धार्मिक हो जाएगा? हमारे गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहेब जी एक वाक्य लिखे हैं, संत कौन। उन्होंने एक वाक्य में उत्तर दिया, मैं बात याद आई तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। दुनिया के अधिकतम लोग कहते हैं कि कबीरपंथी कुछ नहीं मानते हैं, कबीरपंथी भगवान नहीं मानते हैं। मैं भी यही सोचता था पहले, जब इलाहाबाद नहीं गया था तो सोचता था कबीरपंथी भगवान नहीं मानते हैं। जब वहाँ गया और देखा तब मुझे पता चला कि असली भगवान यही लोग मानते हैं, बाकी तो दुनिया के अधिकतम लोग नकली भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं। जब वहाँ गया और देखा तब मुझे पता चला असली भगवान यही मानते हैं। पहला प्रश्न मेरा यह है कि कबीरपंथी कुछ नहीं मानते, लोगों से ये प्रश्न रहे कि कबीरपंथी क्या नहीं मानते, तो लोग कहेंगे भगवान नहीं मानते। तो भगवान किसको मानूं? लोग ये कहते हैं कबीरपंथी भगवान नहीं मानते, हम तो कहते हैं कबीरपंथी भगवान मानते हैं। मेरा एक प्रश्न है, क्या कबीरपंथी मिट्टी को मिट्टी, पानी को पानी, आकाश को आकाश, कपड़े को कपड़े, गाड़ी को गाड़ी, मकान को मकान, घर को घर, बहन को बहन, पिता को पिता, पुत्र को पुत्र, पड़ोसी को पड़ोसी,
ये सब नहीं मानते, पत्थर को पत्थर, कागज को कागज नहीं मानते। मात्र एक मूर्ति का आकार दे दी जाए, उसी से किसी को भगवान मान ले, कबीरपंथी वो नहीं मानते हैं। और ये सही बात है, जिस पत्थर के मूर्ति पर एक कुत्ता भी जाकर के मुत्ता हो, उसको हम इतना मात्र से भगवान मान। भगवान मानना बुरा नहीं है, भगवान मानना अच्छा है। श्री राम, श्री कृष्ण, बौद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद आदरणीय महापुरुष है, भगवान है, उसको मानना है। एक आदमी करता क्या है, अपने पिता का एक मूर्ति रखता है और उसके दो बच्चे हैं और एक बच्चे अपने पिता का मूर्ति नहीं रखता है। एक पुत्र क्या करता है, अपने पिता के मूर्ति के सामने ले जाकर के भोग लगाता है, पिताजी खा लो ना, खा लो, भोग लगाता है और उसकी आरती उतारता है। और एक पुत्र क्या करता है, उनके पिता अभी जीवित है, उस पिता को ले जाकर के स्नान कराता है, भोजन कराता है, उनका कभी मन होता है सत्संग सुनाने ले जाता है, ये काम करता है। और एक पुत्र क्या कर रहा है, सिर्फ भोग लगा रहा है, भोग। कबीरपंथी रीजनल मानते हैं, लेकिन डुप्लीकेट भी हो चुका है, मैं बताया अभी ना। सिर्फ कबीर के पूजा से मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, ये संभव नहीं है। आपको जो सारी बात यहाँ बताई जा रही है, मेरी अपनी बात नहीं है, प्रकृति का नियम है। और इसी को आप ईश्वर का नियम कहो, चाहे अल्लाह का नियम कहो, चाहे भगवान का नियम कहो, ये प्रकृति का नियम है। सद्गुरु इसी को संत लाओत्से हुए, उन्होंने कहा है ताओ ते चिन, विश्व का विख्यात नियम। इसको कोई काट नहीं सकते, कोई काट नहीं कर सकते। चाहे कोई आदमी भगवान मानता हो या ना मानता हो, कोई आग में हाथ डालेंगे तो आग हाथ जलाएगी, किसी को बचाएगी नहीं। चाहे वो अग्नि उपासक हो चाहे मत हो, आग में हाथ डालने से आग जलाएगी बचाएगी नहीं। यदि आज हम गलत कर्म करते हैं तो कोई भगवान नहीं बचा पाएंगे, कोई भगवान नहीं बचा पाएंगे, ना बुद्ध बचाएंगे, ना कबीर बचाएंगे, ना देवी ना देवता, कोई नहीं बचा पाएंगे। इसलिए कबीरपंथी पानी को पानी, जड़ को जड़, मिट्टी को मिट्टी, आग को आग, हवा को हवा, कपड़े को कपड़े, माता पिता को माता पिता, देवी देवता को देवी देवता, सब कुछ मानते हैं। मैं ये चीज जाना हूँ, मैंने कबीरपंथी उस चीज को मानते हैं। महापुरुषों की फोटो रखना पूरा नहीं है, महापुरुषों का फोटो रखना चाहिए और महापुरुषों की फोटो के अनुसार उनके जीवन को पढ़ना चाहिए। सिर्फ चित्र की पूजा नहीं करना चाहिए, उनकी चरित्र की पूजा करना चाहिए और चित्र की पूजा करते करते उनके चरित्र तक पहुंचना चाहिए। चरित्र तक पहुंचना मतलब जैसे बुद्ध हुए, जैसे कबीर हुए, जैसे राम हुए, जैसे कृष्ण हुए, वैसे मैं भी अपने जीवन को निर्मल बनाऊंगा। यही इंद्रिय संयम लोगों की कहानी है। इसलिए संयम बहुत जरूरी है। और जब तक हम यही धर्म का परिभाषा है, अपने कर्तव्य का पालन करते चले जाए। पिता अपने कर्तव्य का पालन करे, पुत्र अपने कर्तव्य का पालन करे, नौकर अपने कर्तव्य का पालन करे, मालिक अपने कर्तव्य का पालन करे, पत्नी अपने कर्तव्य का पालन करे और घर के सदस्य अपने कर्तव्य का पालन करे। और यही कर्तव्य पालन ही धर्म है। गुरुदेव जी ने कहा अपने पर संयम और दूसरों के साथ शील का बर्ताव, यही धर्म की परिभाषा है। ज्ञान सही ज्ञान वही है जिस ज्ञान में कर्मकांड और पाखंड ना हो, वो ज्ञान सही हो। चाहे छोटा बच्चा कहता हो, चाहे गृहस्थ कहता हो, चाहे विरक्त कहता हो, चाहे घर में रहता हो, चाहे आश्रम में रहता हो, जो ज्ञान जिसमें कर्मकांड और पाखंड ना हो, जिस ज्ञान में सत्यता से ओतप्रोत हो, जिस ज्ञान से हमें आत्म शांति मिलती हो, वह ज्ञान सही ज्ञान है। और यही धर्म की ओर चलना है, यही संयम की परिभाषा है। आप सभी संयम पर जीवन को अंगीकार करें और संयम के हिसाब से अपने जीवन को बदलते जाए। अपने घर में स्वर्ग का माहौल बनाए, प्रेम से बोलना सीखे, यहाँ से कम प्रेम से बोलना सीखे। देवी देवता असली माता पिता है, उनकी पूजा करें। बच्चों को स्वावलंबी बनाए, बच्चों को कहीं अटका करके मत रखे, तो निश्चित ही आप सबका जीवन सफल होगा। और आप सभी ने मेरी बात ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद है। और हो सकती है मेरी बात कटु लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर
साहेब जी के विचार से लाभ ले रहे थे। सत्य बात है, आप लोग महसूस कर रहे होंगे, हम जैसे जीते हैं, जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जहां रहते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसने जन्म दिया है, उन्हीं सारी चीजों का विरोध है लगता होगा शायद। हम जिसकी पूजा करते हैं, जिस माँ बाप ने जन्म दिया है, जिसके पीछे हम नौकरी व्यापार कर रहे हैं, पैसा का विरोध, पहनावा ओढ़ावा का विरोध, भगवान भवानी के विरोध, बंधुओं विरोध नहीं है। संत हमारे आंखें खोलते हैं, संत हमारे आंख को खोलते हैं, वो हमें वो ओरिजिनल आंख देते हैं। अभी साहब से सुन रहे थे, संयम, खाने को कभी मना नहीं किया, देखने को मना नहीं किया, धन के लिए मना नहीं किया, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? संयम। दरिद्र कौन? दरिद्र था गरीब। दरिद्र कौन? असंतुष्ट। जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है। कृपणियों अजित इंद्रियों, कृपण कौन है? जिसने अपने इंद्रियों पर विजय नहीं किया है, जिसने अपने इंद्रियों को पूरा खुला छोड़ दिया है, जाओ स्वतंत्र, ऐसा आदमी कहीं का नहीं रह जाएगा। थोड़ा कंट्रोल, ब्रेक, खाने बैठे तो पहले बोल दो भीतर वाले को, भैया एक लड्डू कम खाना। खिलाने वाला तो खिलाएगा साहेब जी एक लड्डू और, लेकिन अपने भीतर वाले को पहले से बोल देना कि मैं युद्ध के मैदान में जा रहा हूं लड़ने के लिए। भोजन में बैठना माने युद्ध के मैदान में जाना है। हमारे गुरुदेव जी का वाक्य है ये, जब जब भोजन में बैठे तो मैं संग्राम में जा रहा हूँ, लड़ने जा रहा हूँ। तो उस समय कितनी सावधानी की आवश्यकता है, बस उतना ही सावधानी पूर्वक भोजन करना है, नहीं तो फिर डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। तो साहब के द्वारा सुन रहे थे, इंद्रियों पर संयम, इंद्रियों को संयम में कर लिए, समझो आप सबसे बड़े पुजारी हैं, सबसे बड़ा भक्त हैं, सबसे बड़े इंसान हैं इंद्री के। अब पांच इंद्रिय हैं, आप इस पर चिंतन करिए, वास्तव में मन क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, इंद्रियां क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जड़ चेतन क्या है, इन सब चीजों की जानकारी हमें ना हो तब तक हमें सत्संग पल्ला पड़ने वाला नहीं है। सत्संग सुनते रह जाएंगे, लेकिन जब तक हम बैठे हैं, किसी को पूछते हैं आप कौन हो, आप कौन हो, तो मैं लखन हूं। पूछेंगे कौन है आप, प्यारे भाई हूं। शरीर का नाम है प्यारे, लेकिन जब तक हम अपने आत्म अस्तित्व का बोध नहीं प्राप्त कर लेते, अपने गुप्त धन का जब तक हमें पता नहीं चलेगा, तब तक किसी संत का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान अधूरा रहेगा, वो समझ में नहीं आएगा। यहां से हम चाहे हम कितना भी समझाएं, इंद्रिय संयम, आखिर इंद्रिय का संयम करने वाला कौन? इस पर आप संतों से मिलिए, पर्सनल बैठिए, उनके निकट में जाइए, ऐसे संतों से आप मिलिए जो आपके तन मन इंद्रिय आत्मा परमात्मा क्या है सब चीज को गणित की तरह एक एक कर देगा, वो छिलका की तरह निकाल देगा, देखना आपके जीवन स्वच्छ आकाश की तरह हो जाएगा। इसके लिए सच्चे सदगुरु से लगिए। आइए हमारे बीच साहेब जी को सुनने के पूर्व
इशारा भी कर रहे हैं बहुत लोग हमारे श्री उमेंद्र साहब से निवेदन है कि आपके एक मधुर कंठ से हम एक भजन सुनते हैं, फिर पूज्य श्री साहब को सुनेंगे। श्री साहब जी बोलिए। सद्गुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य साहेब जी, वंदनीय संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों, माताओं, आप सबके बीच एक भजन प्रस्तुत है। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मेरे दो हाथ हैं, मेरे दो पांव हैं, नैना देख सके धूप छांव है। मेरे दो हाथ हैं, मेरे दो पांव हैं, नैना देख सके धूप छांव है, धूप छांव है। आत्मा में बोधवान हूँ, आत्मा में बोधवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मैं जो सोच सकता हूँ जानवर नहीं, मैं जो बोल सकता हूँ जानवर नहीं, मैं जो बोल सकता हूँ जानवर नहीं, मैं जो सोच सकता हूँ जानवर नहीं, जानवर नहीं। प्राणियों में प्राणवान हूँ, प्राणियों में परखवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। आदमी यही तो है महान बन गया, सत्य आचरण से भगवान बन गया। आदमी यही तो है महान बन गया, सत्य आचरण से भगवान बन गया। भगवान वह बन गया सत्य मैं विवेकवान हूँ, सत्य मैं विवेकवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ।
औरों के दर्द का आभास है मुझे, प्रेम भाईचारा की प्यास है मुझे। औरों के दर्द का आभास है मुझे, प्रेम भाईचारा की प्यास है मुझे। प्यास है मुझे, मैं अनंत शांतिवान हूँ, मैं अनंत शांतिवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। अभी जितनी भी बातें बतलाया जा रहा है ये इंसान होने का पहचान है, गुण है। यदि ये सब नहीं है मनुष्य में तो इंसान नहीं है, फिर वो जानवर की तरह अन्य जो जीव जंतु हैं उसी प्रकार से है, ध्यान रखिएगा। सदगुरु की राह से आसान हुआ है जीवन का मेरे उत्थान हुआ है। सदगुरु की राह से आसान हुआ है जीवन का मेरे उत्थान हुआ है, उत्थान हुआ है। चंदु मैं कल्याणवान हूँ, चंदु मैं कल्याणवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ, इसलिए कि मैं इंसान हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय। बोलिए सदगुरु भगवान की। थोड़ी आवाज आप लोगों की कम है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, समस्त ग्राम वासियों की, अपने अपने माता पिता की जय, रमैया राम की जय। अभी आप सब वंदनीय संत समाज, सम्मानीय सत्संग प्रेम बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, साथ ही साथ इस धरती माँ की गोद में, इस वसुंधरा की गोद में उछलने कूदने वाले प्यारे प्यारे बच्चे, अभी आप सब हमारे पूज्य गुरु भाइयों द्वारा प्रवचन सुने, भजन सुने। मुझे विश्वास है आप लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं काम भर की बातें आप सुन चुके हैं। अब इधर होगा वो एक्स्ट्रा डोज होगा, तो संभल कर बैठिएगा, पचाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आइए मैं आप लोगों को
सदगुरु कबीर साहेब जी के विचारों को आप लोगों के बीच मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। संत जो होते हैं वो हम लोगों के ही चिंतक होते हैं। संत का जीवन स्वाभाविक सरल होता है, उसके अंदर लोगों से कोई कामना और चाहना नहीं होती है। वही संत है जहाँ कामना हो, चाहना हो, इच्छा हो, मांग हो, डिमांड हो, तो फिर वो संत कैसा? सारी इच्छाएं जिसकी बुझ जाती है वही संत है। सरल हो, सहज हो, हम अपनी मन की बातें, मन की मुराद, अपने दुख, अपनी तकलीफ उनके बीच रख सके। संत जब हमारे सामने आते हैं तो हमको चाहिए कि उसके नजदीक बैठे। जैसे आप पानी के पास जाते हो तो पानी की शीतलता आपको हाथ से नहीं खींचना पड़ता है। कैसे होता है? स्वाभाविक उसकी शीतलता आपको रगड़ते हुए आगे चलती है। अभी ठंडी के महीना है, ठंडी में जब आप आग के पास जाते हो तो आग से स्वाभाविक गर्मी मिलती है। ऐसे ही जब संतों के सानिध्य जाते हैं, उनके चरण शरण जब होते हैं तो स्वाभाविक संतों की शीतलता, उसका निर्मल व्यवहार हमारे ऊपर आने लगता है। जैसे हमारे बीच इसी में से बैठे हुए माता बहनें भाइयों में कोई परफ्यूम लगा कर आया हो, कोई लगा कर आए हैं क्या? तो कोई परफ्यूम लगा कर आया हो, एक व्यक्ति यहीं से गुजर जाए या आपके पास सट कर बैठ जाए, वो बंदा उठकर चला भी जाए लेकिन अपनी सुगंधी वो छोड़ कर जाता है। कबीर संगत साधु की, ध्यान से सुनिएगा, मेरा मेहनत सफल हो, आप लोग मेरे से नहीं, कबीर साहब के विषय में जितने भी बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, लेकिन जो भी कह रहा हूँ सदगुरु संतों की जो बातें हैं, उनकी ज्ञान की बातें, वही मैं जो मुझे संतों गुरुजनों से अब तक मिला, आप जैसे बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, उन्हीं बातों को हम लोग यहाँ बैठ कर कर रहे हैं। मैं प्रवचन नहीं दूंगा, आप लोगों से दो बातें जो भूले बिसरे, पहले भूले बिसरे गीत आया करते थे रेडियो में, भूले बिसरे गीत आप लोग सुने कि नहीं? तो वही भूले बिसरे बातों को, कोई बहुत अलग से बातें नहीं करूंगा मैं, जो आप जानते हैं, हम जानते हैं, उन्हीं बातों को याद करके जीवन उपयोगी बातों को हमको लेना है, जीवन सजाना है। तो कबीर संगत साधु की, जो गंधी को बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुवास। संगत कीजे साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर बात। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि संगत करो साधु की। अब आप पूछेंगे साधु कौन? हमारे जैसे सफेद नीला पीला पहनने वाले नहीं, जिसके पास अच्छी समझ हो, जिनका जीवन निर्मल हो, उसकी वाणी में मिठास हो, जिसके अंदर गहरी समझ हो, चाहे वो धोती बंगाली में हो, साड़ी ब्लाउज में हो, सूट में हो, फुल पैंट शर्ट में हो, सब संत हैं। और सदगुरु कबीर साहब जी तक विचार उदारशन कहें कबीर सुनो हो संतों, वो सबको संत कहते हैं। तो संतों का जीवन बहुत ही सरल और सहज होता है। हमारे बीच आते हैं तो कल्याण की बातें, जीवन सुधार की बातें ही करते हैं, लेकिन आज इस भागम भाग की दौर में, इस आधुनिकता में, आज की जनरेशन में, आज की इस 21वीं सदी में, आज के इस विज्ञान युग में आदमी धर्म अध्यात्म को बिल्कुल भूल चुका है।
संतों गुरुजनों के विचारों को तो बहुत कम लोग आदर कर पाते हैं, बाकी तो समझते सब बकवास, नए खून वाले। आज के जनरेशन के युवक धर्म और अध्यात्म से बहकते जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों की संस्कृतियों को, जो हमारे पूर्वजों ने हमें रास्ता दिखाया, धर्म और मर्यादा की बातें की, आज इस सारी मर्यादाओं की सीमा रेखा को हम लांघते जा रहे हैं। और याद रखना, जहां जहां पर मर्यादा का उल्लंघन होता है, उल्लंघन करने वाले के व्यक्ति पूरा कंटका कीर्ण हो जाता है, दुखों की तकलीफों की जखीरा बटोर लेते हैं, आदमी समस्याओं के चक्रव्यूह में घिर जाता है। आज यही देखने को मिल रहा है। पश्चात सभ्यता इतनी हावी हो गई है कि आदमी उन्हीं के हवाओं में बह रहे हैं, अपनी मर्यादा संस्कृति लज्जा ही या सब आदमी खो चुका है। पहले के जमाने में हमारे पूर्वजों के पास पहनने के लिए कपड़ा हुआ नहीं करते थे, तब हमारे पूर्वज क्या करते थे, पेड़ के छालों को निकाल कर अपनी इज्जत और अपनी आबरू को ढकते थे। कुछ लोग उस पेड़ के पत्ते को अपनी इज्जत ढकते थे, लेकिन आज क्या है, आज कोई चीज की कमी नहीं है, फिर भी आदमी के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। बसों में, ट्रेनों में जहां चलो, ऐसे ऐसे लोगों के पहनाव ओढ़ा देखकर आंखें शर्म से झुक जाती हैं। इसलिए हर माँ बाप यहाँ पर बैठे हुए लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को अच्छा से कपड़ा पहना सिखाएं। कपड़ा हम दिखाने के लिए नहीं पहनते, अपने शरीर को सजाते झजाते तो दूसरे को दिखाने के, अंग प्रदर्शन की चीजें नहीं होती है। मर्यादा, जिन जिन लोगों ने भी मर्यादा की सीमा रेखा लांघा है, उनके जीवन में दुख के सिवाय कुछ भी नहीं आया। भले कुछ क्षण के लेता है कि मैं मॉडर्न हूं, आधुनिक युग हूं, आज कोई नौजवान व्यक्ति धोती पहन ले तो सब उसको देखकर हंसेंगे, कोई नई नवेली बहन, कोई नई नवेली दुल्हन पुराने जमाने की साड़ी पहन ले तो लोग हंसेंगे, तो कौन हंसाना चाहे। हाँ, कोई मॉडल पहन ले तो फिर क्या पूछना, अमुक की बहू बहुत फैशन वाली है, बड़ा नाम होता है। तो मर्यादा सबसे बड़ी चीज है। आप अपने माँ के गर्भ से, आप चाहकर भी बहुत हैंडसम और ब्यूटीफुल पैदा नहीं हो सकते। मैं चाहूं कि मैं अच्छा हैंडसम बनकर माँ के गर्भ से पैदा हो जाऊं तो इम्पॉसिबल। जैसे माँ के रंग रूप होते हैं, जैसे जलवायु और वातावरण होते हैं, उसी के तहत आदमी का रंग और रूप, रंग और रूप बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो देखने में बहुत हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, और उनके करेक्टर चरित्र गंदा हो, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आदमी अच्छा लगेगा आपको? और कोई व्यक्ति देखने में सुंदर ना हो, काला कलूटा हो, लेकिन उसका निर्मल जीवन, लोगों से अच्छा सलूक करता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो आदमी सुंदर लगता है। आपकी चेहरे की सुंदरता कुछ दिन, कुछ वर्ष तक रह सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखो, जब पैदा होते हैं कितना सुंदर लगता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए, छोटे छोटे कुत्तों के पिल्लों को देखोगे लगता है उसके गोद में उठा लूं। छोटे छोटे आपके घर के पाड़ा पाड़ी बछड़ों को देखिए, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, सुंदरता घटती जाती है। सुंदरता एक धोखा है, देख कर, किसी सायन ने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, बोलिए सद्गुरुदेव की, देख कर मत रीझना बाहर की सफाई पर, बर्फ कैसे है,
वर्क सोने के लगा है गोबर की मिठाई पर। तो ये बाहरी आप देखेंगे हमारे ही भारत देश में हर वर्ष विश्व सुंदरियां बदल जाती है। इस साल कौन बना है किसी को पता है? नहीं पता है। एक साल में विश्व सुंदरी बदल जाती है और कितनी विश्व सुंदरियां जमीदोज हो गई, धरती माँ की गोद में समा गई। तो सबसे बड़ी सुंदरता होती है आपके चरित्र की सुंदरता। चरित्र की ही पूजा होती है। चेहरे के तो रूप रंग बदल जाते, दांते टूट जाती हैं, आंखें खिस धस जाती है, चाम में सिकन आ जाते हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को, बूढ़े बूढ़े बुजुर्गों को कभी देखकर हमको तो याद आ जाती है। अपने जवानी में ये भी इतराती रही होगी, अपनी सुंदरता पर ये भी कभी गुरूर की होगी। लेकिन आज टाइटी फिर सब घट जाता है। तो मर्यादा, मर्यादा में देखो माँ सीता सीमा रेखा एक मर्यादा की रेखा खींचे थे। कौन? लक्ष्मण जी। उस मर्यादा की सीमा रेखा को माँ सीता लांग गई। क्या हुआ? सीता का हरण हुआ। आप देखेंगे आपके गांव में नदी होगी, नाले होंगे। बरसात के दिनों में देखना नदी नालों में, नदी जब अपनी सीमा रेखा को जब पार हो जाती है तो सरकार आसपास में बसे हुए लोगों को हाई अलर्ट करता है। इधर के नजदीक के गांव वाले सब उड़ जाओ, नदी अपनी सीमा रेखा से बढ़ रही है, खतरे के निशान को लांग गई है। लेकिन जब अपनी सीमा रेखा में चलती है तो किसी को कोई एतराज नहीं रहता, चलने दो भाई। ऐसे ही जैसे एक और एग्जांपल ले, हमारे भारत देश से सटा हुआ पाकिस्तान है, चीन है और कई देश हैं। कोई भारत की सीमा में पाकिस्तान के जवान उस सीमा को, सीमा की रेखा को लांग कर आ जाए तो क्या हमारे भारत के मिलिट्री के जवान उसको नाश्ता पानी खिलाएंगे? क्या होगा? तुरंत ढांढ़ी सुन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही जो मनुष्य सीमा रेखा को लांगता है तो फिर आफत आ जाती है। इसलिए बंधुओं ये जिंदगी बहुत बेशकीमती जिंदगी है। आप ये हाड़ शाम टट्टी पेशाब के शरीर नहीं हो। आज आदमी हम देखते हैं अधिकतम लोग शरीरों को बहुत सजाते हैं। इसका मतलब नहीं कि आप गोबरों पर चुपड़ लें, सफाई सुथरता की आवश्यकता है। लेकिन बहुत सारे टाइम आप, हमारी कितनी बहनें ब्यूटी पार्लर जाती है, थ्रेडिंग कराती है, कई प्रकार के ब्यूटी पार्लर में मुझे ज्यादा पता नहीं है, भाई लोग भी जाते हैं वहां। जाती हो तो क्या होता है? शरीर सुंदर बनता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है। ये सब बाहरी टीम टाम होता है, करना भी पड़ता है। लेकिन कभी हम अपने मन को, अपने दिल और दिमाग को सुंदर बनाने की सोचते हैं? इस पर हमारा ध्यान ही नहीं। कोई कोई सूरवीर व्यक्ति होगा सोचता होगा मैं अशांत क्यों रहता हूं। आप हमसे मत, अपने से प्रश्न करिए कि मेरा मन अशांत क्यों रहता है। इतने दिन की जिंदगी बीत गई सत्संग करते भजन करते, मेरे जीवन में अपेक्षित सुधार क्यों नहीं आया? ये जीवन निर्माण की बातें चल रही है। सोचे, जब तक आप सोचे हुए बातों का चिंतन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आप संकल्प करते हो, गुस्साना मत भाई, उदाहरण उसी का दूंगा जैसे कोई भाई बीड़ी पीते होंगे, तो आज संकल्प करें
एक पांच बीड़ी मैं पी लेता हूं वो आज एक कम कर दूंगा। संकल्प भी ले, थोड़ी दमदारी के साथ लिया करें। धीरे से कहते हो कि मैं बीड़ी पीना छोड़ दूंगा, इससे काम नहीं चलेगा। थोड़े जोर से कहे, देखो आप मिलिट्री के जवान लोग सावधान, फ्राक से पैर को पटकते हैं, चुस्ती और दुरुस्ती आती है उससे। ऐसे जोर से चिल्लाकर गली मत कहना कि मैं बीड़ी छोड़ रहा हूं। अपने मन ही मन थोड़ी आपकी आवाज अंदर तक जाए, अंतरात्मा तक। आदमी में इतनी शक्ति है कि यदि वो ठान ले, अब एक उदाहरण ले रहा हूं, थोड़ा निगेटिव उदाहरण है, उसको आप पॉजिटिव मत लेना, ना कोई करना भी मत, बताने से पहले कहते हैं। देखो जब आदमी को गुस्सा जब चढ़ता है तो गुस्से में आदमी फांसी लगा लेता है, कोई जहर पी लेता है, कोई कोई बंदे ट्रेन में कट के मर जाता है। एक बार की बात है, इसी में कहानी याद आ गई, मैं सोचता हूँ कह दूँ फिर भूल ना जाऊं। पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। अब जब झगड़ा हुआ तो पति बहुत नाराज हो गया, तो अपनी पत्नी से पति कहता है, सुनते हो जी, मैं आज ट्रेन में कट के मर ही जाऊंगा। उसकी पत्नी कहते, ऐसा मत करना पति देव, नहीं तो नरक हो जाएगा। तो फिर गुस्सा में चलने लगा, फिर चलते चलते कुछ दूर गया, फिर लौट कर आया। उसका पति कहा, ऐसा करो थोड़ा टिफिन तैयार कर दो, ध्यान से सुनिएगा। उसका पति कहता है कि ऐसा करो कि थोड़ा टिफिन तैयार कर दो। तो उसकी पत्नी कहे, तुम मरने जा रहे हो तो टिफिन को क्या करो। तो उसका पति कह रहे, भाग्यवान तुम समझती नहीं हो, आज का ट्रेन भी लेट चलती है, अब देख नहीं रहे, इसीलिए हम लोग कार्यक्रम मिस ना हो जाए, हमारे प्यारी बाबूजी करके फोर व्हीलर से आए। अब क्या कह रहा था, ओरिजिनल बात ही मैं भूल गया। तो मर्यादा की महती आवश्यकता है। आप शरीर नहीं हैं, मैं आप लोगों को कहूं तो थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, और आश्चर्य लगना भी चाहिए। अब लगता क्यों है आश्चर्य, उसको भी मैं बता देता हूं। हम लोग ये हाड़चाम टट्टी पेशाब के दिखने वाले शरीर नहीं है। बहुत लोगों को लगता हो तब क्या है, तो मैं बताता हूं, आप एक शुद्ध निर्मल आत्मा हैं। आपके अंदर वो आत्मा वास करती है, उसी के सत्ता से आपका शरीर चल रहा है। जैसे ये गाड़ी खड़ी फोर व्हीलर, इसमें ये अपने से तो नहीं चलती, आजकल निकल भी गया है, लेकिन फिर हाल ये गाड़ी नहीं चलती है अपने से। इसमें बैठने वाला ड्राइवर और गाड़ी, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गूढ़ विषय है लेकिन समझने लायक बातें हैं। ये गाड़ी और इसमें बैठने वाला ड्राइवर दोनों एक है कि अलग अलग है, थोड़े सा आप लोग बताएंगे। एक है गाड़ी और ड्राइवर, अलग अलग है ना। तो वैसे ही ये शरीर और शरीर में निवास आत्मा दोनों अलग अलग है। नहीं तो शरीर तो वही रहती है, जब कोई आदमी मर जाता है, आंखें वही होती है, कान वही होती है, शरीर इंद्रियां और शरीर आपकी ज्योत का त्यों रहता है। तो फिर आप देख क्यों नहीं पाते, चल क्यों नहीं पाते, क्योंकि उसमें बोलने वाली, जिसकी सत्ता से, जिसकी महत्ता से, जिसकी गरिमा से आपका शरीर चलता था, उसी के बदौलत आपकी जिंदगी में रोशन है। बोल रहे हो, देख रहे हो, खा रहे हो, छू रहे हो, वो आत्मा की सत्ता की वजह से। और अभी आपको शरीर में कोई एकदम बारीक, जो नंगी आंखों में देखने में ना दिखे, कोई कीड़ा भी आपके शरीर में चलेगा तो आपको आभास हो जाता है। और आदमी जब मर जाता है, किसी का पोस्टमार्टम होता है, शरीर के कई टुकड़े कर देते हैं लेकिन पता चलता है, फिर तो आपके घर के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आपको कोई परवाह नहीं रहता। कि कोई उठकर समझा देता है कि रो मत, नहीं, क्योंकि जो बोलने वाला है, जिसकी सत्ता से शरीर चलती है, वो आत्मा ही नहीं रह जाता। इसलिए कोई आदमी, शरीर तो सबका छूटता है भाई, मरना तो सबको, यहाँ बैठे हैं आपके गांव में देखे हो कितनी लाशें इस गांव से गुजरी होगी, वो हर गुजरने वाली लाश हम जैसे जिंदे लोगों को, हम जैसे सांस लेने वाले लोगों को
वो संदेश देती है उलास, बेटा आज मैं जैसे चार के कंधों पर सवार होकर जा रही हूँ, याद रखना एक दिन तेरी भी अर्थी सजेगी, आगे आगे तुम होगे, पीछे पीछे बाराती होगे, सबका एक दिन राम नाम सत्य होना ही होना। एक ऐसे किसी व्यक्ति की लाश निकली थी, आगे आगे लाश चल रही थी, पीछे लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कह रहे थे। कुछ बच्चे वहीं खड़े थे, तो बच्चे कहने लगे राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। तो ये आप अपने आप को शरीर आप क्यों समझते हैं? क्योंकि कई बार आप जन्म लिए हैं, मरे हैं, हर बार आपको ये शरीर मिला है, इसलिए हमारी सोच सिर्फ और सिर्फ शरीर तक, देह बुद्धि हो गई है, इसलिए हम अपने आप को शरीर समझते हैं। आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात, जो जन्म लिया है मरना ही मरना है, इसलिए मौत से न डरे। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आप मर मत जाना, जिंदगी मिली है, जीवन में सुख दुख अच्छा बुरा इसी का नाम तो जीवन है, जीवन में खुशी ही खुशी हो, आपको जीवन जीने में उतनी मजा नहीं आएगी, जीवन संघर्षपूर्ण ही होना चाहिए, ये मत सोचना दुख मत आए, अरे दुख आए सुख आए सबका स्वागत है, पहले से आप अपने आप को तैयार रखिए। प्रातः उठें, कुछ सूत्र जान लें, प्रातः उठें आप, उठने से पहले 5 मिनट अपने बेड पर बैठिए। कल से आप लोग प्रारंभ करेंगे, हमारे कुछ नियम हैं, उसको आप प्रयोग करके देखिए, फायदा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, उसमें का कोई साइड इफेक्ट तक करना नहीं है। नहीं, सुबह उठे 5 मिनट आप समय दें, ऐसे आँख मूंद कर बंद कर लें, आज इस दिन को, आज की इस प्रातः सुबह को मैं शांति पूर्वक जीऊंगा, प्रसन्न होकर जीऊंगा। आप लक्ष्य बनाएं, बिना उद्देश्य के आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। देखिए यहां लोग कितने लोग बैठ कर आए हैं, अपने बाहर से आए हैं, यहां पर जो बैठे हुए लोग हैं सब सोच कर आए हैं कि हमें सत्संग में जाना है, अपने घर से भी इधर अंदर से जो लोग आए होंगे वहां से भी सोच कर आए हैं। तो वैसे जीवन को टारगेट करें, आज दिन भर शांत रहना है, कोई विवाद की स्थिति आएगी तब भी नहीं उलझूंगा, आज मैं अपनी बीबी से, बच्चों से, घर के लोगों से फुल पावर प्यार लुटाऊंगा। हम लोग बहुत उपवास रहते हैं, हमारी माताएं बहुत ज्यादा उपवास रहती, तो उपवास के दिन करते क्या है आप लोग? हाँ, कई लोग तो पानी तक नहीं पीते हैं, इधर भीमसनी एकादशी रहते हैं कि नहीं रहते हैं? भीमसन जी का उस दिन तो आदमी बेड पर सोने वाले बेड पर भी नहीं सोते, जमीन पर ऐसे बिना कुछ बिछाए, जल तक ग्रहण नहीं करते, ये भी एक उपवास है। लेकिन आइए एक और उपवास हम आपको सिखा दें, कोई दिन हफ्ता में एक दिन दो दिन, मैं जो उपवास बता रहा हूँ वो कस कर खा पी कर गले के आते तक खा सकते हैं उस उपवास में। देखो कितना बढ़िया उपवास, खा पी कर उपवास करना मैं बता रहा हूँ। आप हफ्ते में एक दिन उपवास करिए, आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा, गुस्सा नहीं करने का उपवास खा पी कर करिए। अब कितने भाई साहब लोग उपवास हैं लेकिन जर्दा जरूर खाएंगे, फिर खाने के बाद पीछे से उधर थूकेंगे। हम तो कहते भाई इतने महंगे के आप गुटखा खाते, पूरे गुटक ही है, उससे हमारे आसपास के वातावरण भी बढ़िया हो। देखो हम लोग दूध पीते हैं तो ऐसे पीते हैं तो फुर के मुंह से नहीं फेंकते, सबको गुटक जाते हैं, भोजन करते हो 4-6 गौरा खाए उसके बाद फुर, ऐसे नहीं करते, सबको खाते हैं। नहीं, तो उपवास रही, आज क्रोध नहीं करूंगा, दूसरे दिन उपवास रही, आज शांत रहना है, आज किसी से लड़ना झगड़ना ही नहीं है,
जब तक आप ऐसे छोटे छोटे बातों को जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक जिंदगी का पार आप नहीं पा सकते। मन तो बहिर्मुख, बाहर की ओर दौड़ता, कब सोचता है अच्छा कर दूं, बहुत मनाना पठाना पड़ता, इसके भी पांव पड़ना पड़ता है, नहीं तो हर इंसान को तो मन रगड़ रहा है, कहते हो ना मेरा मन उधर हो ही नहीं रहा। अच्छे कामों के लिए आपके मन को राजी करना सीखे, छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दोगे तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, वरना जिंदगी भर झंकते रहोगे, तड़पते रहोगे, शांति से कभी मुलाकात ही नहीं होगी। तो जिंदगी मिली है तो मौत भी जरूरी है। धीरे धीरे हम लोग कहाँ कर रहे हैं, मौत की तरफ तो ही खिसक रहे हैं निरंतर, हर दिन एक दिन बीतता है आपकी जिंदगी के, एक दिन घट जाता है, हर सेकंड, हर मिनट, हर पल, हर घड़ी मौत की ओर चल रहे हैं। एक बार की बात है, मौत कैसे निश्चित है इस पर मैं बता रहा हूँ। एक जगह देवताओं की मीटिंग थी, ध्यान से सुनिएगा, बोलिए सद्गुरुदेव की, देवताओं की मीटिंग थी। भाई आजकल किसी, हम लोगों की मीटिंग होती तो किसी के पास चार पहिया हैं तो चार पहिया लेकर आते हो, मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल से आते हो। तो जब देवताओं की मीटिंग थी, हमारे कोई शंकर भगवान, गणेश जी, दुर्गा काली, वो लोग कोई स्कूटर मोटरसाइकिल स्कूटी तो नहीं चलाते थे। तो गणेश जी, सर्वप्रथम पूजा गणेश देव की होती है, गणेश जी पहुंचे मीटिंग में, तो गणेश की सवारी क्या है, चूहा है, चूहा को मारना मत भाई। तो गणेश जी चूहा में आए, ऐसे बहुत बड़ा हॉल था, उसी में वो मीटिंग होनी थी, बहुत ही स्पेशल मीटिंग थी, बाद में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम गणेश जी आए चूहा पे बैठकर, चूहा को ऐसे बाहर कर दिए जैसे आप लोग मोटरसाइकिल करके यहाँ बैठे हैं, वो चूहा वहीं रख दिया और अंदर मीटिंग में आ गया। उसके बाद उसके पिता श्री शंकर जी आए, उसकी सवारी क्या है, बैल, बैल में बैठकर शंकर जी, वो भी वहीं छोड़ के अंदर हाल में आए। उसके बाद उसके बड़े सुपुत्र कार्तिक जी आए, उसकी सवारी क्या है, मोर में आए। बताते जाना भाई मैं सवारी बहुत कम जानता। उसके बाद फिर विष्णु भगवान आए, उसकी सवारी क्या है, चलो कोई नहीं जानते, जिसमें हुआ बैठ कर आए हैं गरुड़, हमारे बुजुर्ग लोग नहीं बता पा रहे हैं क्या बात है। अब चलिए अंतिम करते, उसके बाद अंतिम में यमराज आए, और यमराज की सवारी क्या है, भैंसा है ना, भैंसा में बैठ कर आए। देखिए हमारे पहले के देवी देवता लोगों की सवारी कितनी अच्छी थी, पेट्रोल वेट्रोल कुछ नहीं लगता था, पेट्रोल डीजल कम करो वाली बात ही नहीं थी। तो अंतिम में जब यमराज आया तो वैसे ही जहाँ मीटिंग होनी थी हाल में, ऐसे ही नीम का बहुत बढ़िया, देख रहे हो इधर नीम पेड़ है ना, देख लो ना एक बार, नीम का जो पेड़ था उसी में कबूतर बैठा हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, वो कबूतर बैठा हुआ था। जब यमराज जी अपनी सवारी भैंसा से उतरा तो उसकी नजर, उसकी दृष्टि उस नीम पर बैठा हुआ कबूतर पर पड़ा, और यमराज उसको बड़े आश्चर्यजनक दृष्टि से देखा, और देखकर यमराज उस हाल में चला गया। और उसको जब आश्चर्यजनक दृष्टि से देखा, कबूतर बहुत डर गया, फिर कबूतर देखकर रोने, भाई यमराज किसी को देख ले, छोटी मोटी बातें थोड़ी है, वो कबूतर डर गया, रोने लगा। उसकी रोने की आवाज नीचे गरुड़ सुना, गरुड़ ने पूछा कि भाई साहब क्यों रो रहे हो, तब उस कबूतर ने बताया कि भैया अभी अभी यमराज जी भैंसा से उतरा और मेरे तरफ इस दृष्टि से देखा कि लगता है आज मेरी जिंदगी की अंतिम है, आज राम नाम सत्य हो जाएगा ऐसा लगता है। तो गरुड़ ने कहा कि अरे मूर्ख, तुम डरते क्यों हो, आओ मेरी पीठ पर बैठो, अभी मैं घंटों में तुम्हें 1000 किलोमीटर दूर उस बिहार पहाड़ियों पर छोड़कर आता हूं। और उधर से कबूतर उतरा सचमुच में उसके पीठ पर बैठा, और 1000 किलोमीटर दूर मिनटों में, चलो घंटों में,
छोड़कर वो गरुड़ वापस आ गया। और जैसे ही इधर देवताओं की मीटिंग समाप्त हुई, सब लोग निकलने लगे, निकलते निकलते यमराज पुनः पूर्व उधर देखता है कि अरे यहाँ पर तो कबूतर बैठा था, वो कहाँ गया। ऐसे कहते कहते वो मुंह से भी बोल डाला तो बगल में बैठे गरुड़ फट से बोला कि यमराज जी, अरे उसको तो मैं 1000 किलोमीटर दूर छोड़ आया हूँ, आप उसके पार भी नहीं पाओगे। तब यमराज कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद गरुड़ जी, यही तो मैं सोच रहा था कि 1 घंटे बाद इस छोटे से कबूतर की मौत 1000 किलोमीटर दूर उस पहाड़ियों पर होने वाला है, ये पहुंचेगा कैसे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वहां उसे पहुंचा ही दिया। इसलिए जिसकी मौत जैसी होनी वैसी ही होती है, मौत से बस कभी भी मत डरना, रोज याद किया करना, हर पल हर क्षण हर घड़ी अपनी मौत को जो बंदा याद करता है, जो सज्जनों और देवियां याद करती है, उसके जिंदगी में बहार आता है। विश्वास नहीं तो याद कर करके रोज देखना। ये हमारे साधु संत बैठे हैं अपने साधना के मार्ग में टिके हैं, उसका एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है मौत। तो मौत को देखना सीखे, कभी भी मत घबराइए, मत डरिए, जिस दिन मरना है मौत होगी ही होगी। इसलिए जिंदगी को बेहतर बनाए, अच्छा से जिए, हर लोगों के साथ आप अच्छा व्यवहार करना तो सीखे। हम तो हमारी सोच तो सिर्फ और सिर्फ अपने तक है, हमारा बन गया तो दुनिया की बन गई, ये सोच को आपको बदलना पड़ेगा। और बदलेंगे तभी जीवन में निखार आएगा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। आज आपका बसेरा नजदीक है। देखो सतगुरु कबीर साहब को लोग पढ़े लिखे नहीं थे कहते, लेकिन क्या करें, आज बसेरा नीरे, नियर मने नजदीक पास। सतगुरु कबीर साहब जी बड़े विद्वान संत थे, लोग पढ़े लिखे नहीं, कितने भाषाओं का प्रयोग किया है। बीजक में देखिए, गुजरात गए तो गुजराती की भाषा, हर प्रकार की बोली भाषाओं का प्रयोग किए। तो आज बसेरा नियर है, आज आपका बसेरा नजदीक, किसके नजदीक है, कल्याण के नजदीक है। मानव जीवन में ही कल्याण का काम, साधना का काम, परोपकार का काम होता है। इसलिए बंधुओं, परोपकार करते चलें, अपने से जो बन पड़े करते चलें। दूसरा क्या सोचता है, क्या समझता है, आपके साथ कैसे व्यवहार करता है, उसकी कोई महत्व नहीं है। आप दूसरों के साथ कैसे करते हो, क्योंकि जो आप दूसरों को देते हैं वही लौट कर आपको मिलता है। अभी हम वर्तमान में जैसे हम जीवन जी रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं अच्छा और बुरा, वो अपने ही कर्मों का फल है। आदमी जैसे जैसे कर्म करता है उसी के अनुरूप उसके जीवन का निर्माण होता है। आदमी चंद पैसों के लिए, अपने घर परिवार, अपने बाल बच्चों की खुशी के लिए दूसरों के साथ गलत व्यवहार करता है, गलत काम करता है। आप दूसरों को दुख देकर कभी भी खुश हो ही नहीं सकते। दूसरों के रास्ते पर आप फूल नहीं बिछा सकते, तो कांटे बंद मत बिछाइए। ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे छोटी छोटी गलतियां, यही हमें दुख देती है। तो साहब कहते हैं कि आज बसेरा नियरे, आज आप कल्याण के बहुत निकट हैं। आज की समय को कभी मत खोइए। आज उकाल दिन कई के में अस्थिर ना ही शरीर, कहीं कबीर कस राखी हो कांचे बासन ने। अपने जीवन को पूर्ण जागृति पूर्वक, जिस कबीर साहब ने कहा है बीजक में ही, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। मैं इसकी नीचे पंक्ति कहा था, ऊपर चढ़ रहा हूं। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, जो जागता है वही भागता है। भगवान बुद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे, भगवान बुद्ध राजा के लड़के थे,
राजमहलों में पले, सारे ऐश्वर्य के साधन थे, उनकी पत्नी थी, उनका इकलौता पुत्र था राहुल। लेकिन जब उसके अंदर वैराग्य की खुमारी चढ़ी, वैराग्य की मस्ती चढ़ी, सारे धन दौलत रुपये पैसे राजमहल फीके लग गए, निकल गए रातों रात। और बौद्धों में दीक्षित हो गए। क्या कमी थी उस महापुरुष के पास? भगवान महावीर, वो भी राजा के ही लड़के थे, राजमहलों से निकले थे। सचमुच में जिसको अंदर में भक्ति का रंग जब चढ़ जाता है, वैराग्य की जब खुमारी, वैराग्य की मस्ती में जब मन मस्त हो जाता है, तो फिर दुनिया की सारी चीजें फीकी नजर आती है। और जैसे जैसे भक्ति में, साधना में मन लगता है, संसारी चीजें हल्की लगती। जैसे आप अभी नीचे बैठे हो, इस छत पर चढ़ जाओगे, यहां से उधर की वस्तुओं को देखोगे तो छोटी दिखेगी, और ऊंचाई पर चढ़ोगे दो तीन मंजिल पर तो यहां की चीजें और छोटी लगने लगेगी। कभी कभार आप लोग हवाई जहाज की यात्रा किए होंगे तो वहां से नीचे देखोगे तो बड़े 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 घर डिब्बा जैसा दिखता है, खेत खार क्यारी जैसी लगती है। वैसे ही जीवन में जैसी जैसी ऊंचाई आती है, ये संसारी चीजें, संसार की भोगों की चीजें, दुनियादारी सब फीकी लगती है। और देखोगे मीराबाई चित्तौड़ के, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वो राजा और महाराजा घर की लड़की थी, लेकिन जब बैराग का रंग चढ़ा, भक्ति का रंग चढ़ा, तो सब कुछ भूल गई मीरा, गली गली नाचने लगी। ऐसे नहीं पैर ठमकता है, भूल गई सारी दुनिया की मर्यादाएं, एक तरफ हो गई। तो ये जगे हुए लोग थे, कबीर, बुद्ध, महावीर, ईसा, सुकरात, ये हमारे आदर्श है। इनके उच्च आदर्शों को हमें जीवन में अपनाना चाहिए, तभी जीवन खिलेगा, तभी हम जीवन की कीमत को समझ पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप अपने तक न जिए, अपने द्वारा सौभाग्य से देखिए, मनुष्य का शरीर मिला और आपकी सारी इंद्रियां अच्छी है, दिल दिमाग अच्छा है, पागल होते गंदे नाली के पानी पीते, इधर उधर की बातें करते, लेकिन शरीर स्वस्थ है, मन मस्त है। तो साहब कहते हैं कि जो जागल सो भागल, और सोवत गैल बिगोय हो रमी आराम, जो जागता है वही भागता है। और उसके और ऊपर की पंक्ति है, सोवत गैल जागत चोर घर मुंह सही हो रमी आराम। कभी साहब कहते हैं कि आपके जागते जागते आपके घर में चोर घुस रहा है। एक व्यक्ति था, पति पत्नी दोनों जागते जागते सोए हुए थे, एकदम नहीं सो गए थे, जाग भी रहे थे, सोए भी हुए थे। उसके घर के पिछवाड़े से एक व्यक्ति आया तो उसकी पत्नी ने अपने पति को बताया कि सुनते हो जी, कोई आदमी हमारे घर के नजदीक आ गए हैं। उसका पति कहा हाँ हाँ मैं देख रहा हूं। फिर उसकी पत्नी बताई वो दरवाजे के अंदर घुस गया है। उसका पति कहता कि हाँ हाँ मैं देख रहा हूं। फिर उसकी पत्नी बताती है कि कमरे में घुस गया है। तो उसका पति कहता है कि देख रहा हूं ना भाई। फिर उसकी पत्नी बताती को सामान को लेकर जा रहा है। तब बहुत दूर चला गया जब चोर, तो उसका पति उठा और तलवार, नंगी तलवार हिलाने लगा, पटकड़ कहां है कहां है, हैं? वो आदमी कायर कुचर था। किसी के घर में सब लोग जग रहे हैं, कोई बाहर के व्यक्ति आकर चुरा कर ले जाए सामान, या आपकी जेब से रोज 50 रुपया 100 रुपया निकलता जाए तो क्या होगा, गरीब हो जाओगे आप। वैसे ही हमारी आत्मधन को, आत्मज्ञान को, हमारे सद्गुण सदाचार को, ये काम क्रोध रूपी चोर
रो चुरा रहा है और हमको इसका गम नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आत्मधन की रक्षा करें, अपने जीवन धन, ये जीवन भी एक धन है, ये रुपए पैसे मकान से भी बड़ा धन आपका जीवन धन है। ये जीवन धन बहुत ही अमूल्य धन है, ये मनुष्य शरीर बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। आज आपका बसेरा कल्याण के बहुत निकट है, आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो उपलब्ध हो सकते हैं। तो जीवन की इस बेशकीमती क्षणों को आप व्यर्थ में मत जाने दें, समझे इसकी कीमत को। आज हम देखो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पता नहीं शरीर है, शरीर जो सड़े गले वही तो शरीर है, पता नहीं खुदा ना खास्ता ऐसे किसी की जिंदगी में ना हो, लेकिन हो जाता है। हंसते खेलते व्यक्ति के भी जीवन में ऐसे संकट आ जाता है कि बेचारा खाट में जिंदा लाश की तरह पड़ा रहता है। फिर वो गांव की गलियां, घर की चौखट देख पाना मुश्किल हो जाता है। अभी हमारे एक भक्त हैं छत्तीसगढ़ के, उनको कई शास्त्रों का बहुत ज्ञान है बीजक का, उसके पास आप बैठिए दिन रात, हम तो उससे बात करते हर आधा घंटा, वहां सही बात है, इतना ही बोलते हैं फिर वो बोलना शुरू करता है, फिर 15 मिनट बाद बोलते हैं हाँ हाँ सही बात है, वो बोलता ही रहता है बीजक का, उसका इसका उसका, इतना उसके पास संग्रह है। आज बेचारे को लकवा मार दिया, हाथ पैर इंद्रियां सब सही है, सिर्फ बोल नहीं पा रहा है। हम लोगों को थोड़ा घर के लोग राहत का भी सांस ले रहे, ये बनाओ वो बनाओ, उसके पास बोलने वाला भी अच्छा व्यक्ति है, लेकिन क्या करोगे। तो वैसे एक शरीर में तो मजबूरियां हैं, किसके साथ किसके जीवन में कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देता नहीं किसी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, इसलिए पछताना ना पड़े। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, और जब हम लोग उठ जाएंगे तब यहाँ कोई आएगा रे और करो महाराज, ऐसे थोड़े होगा। इसीलिए वर्तमान में जीना सीखें, अभी लाभ ले लो, फिर तो अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। एक कहानी और कहूँगा, सिंपल कहानी है, आपको हंसी आए तो हंस देना, नहीं तो मत देना, आपकी मर्जी। एक व्यक्ति था, वो ऐसे नदी के किनारे चल रहा था, चलते चलते देखा एक बहुत बड़ी हंडी थी, उस हंडी में बहुत सारे पूरे हंडी भरी थी चमकीले पत्थरों से। वो नौजवान लड़का देखा कि हंडी में बहुत चमकदार पत्थर भरे हुए हैं, वो लड़का नदी के पास ऐसे बैठा और बैठकर एक एक पत्थरों को ऐसे नदी में फेंकते गया, जैसे हम लोग बैठ जाते हैं ना तालाब नदी किनारे तो कंकड़ को ऐसे ऐसे फेंकते हैं, तो वैसे ही कुतूहलवश वो भी वैसे फेंकता गया फेंकता गया। अंत में उसके पास एक वो कांच की गोली, वो गोली रह गई, उसको लेकर वो घर आया। घर आया तो उसके लड़के के पिताजी ने देखा कि अरे ये तो बहुत चमकदार पत्थर है, वो ले जाकर सोने चांदी जो हीरे वाले हैं उनके पारखी के पास उसको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इस मिला कहां से ये। कहे भाई साहब मेरा बच्चा कहीं नदी के किनारे से लेकर आया है। उन्हें कहा कि भाई साहब ये साधारण पत्थर नहीं, ये हीरा है। उसके बाप उसको लेकर दौड़ते दौड़ते अपने बेटे के पास, कहा बेटा इसको कहां से पाए। उसके बेटा ने कहा कि पिताजी क्यों, अरे वो तो पूरे खंडी में ऐसे ही पत्थर भरा था। उसके ने पिता ने पूछा वो कहां है, उस बच्चे ने कहा कि पिताजी मैं तो उसको सबको नदी में फेंक। तब उसके पिता ने अपने लड़के बेटा ये हीरा है हीरा। तब वो लड़का माथा कूटने लगा कि हीरा तो हाथ लगा था लेकिन मैं पत्थर समझकर सारे पत्थरों हीरों को नदी में फेंक डाला। ऐसे ही हमको भी न पछताना पड़े,
कि हीरा के सरीखा, हीरा से भी अधिक मूल्यवान आपका जीवन है, आपकी जिंदगी है। इस जिंदगी को समझे, कुछ कर गुजरे अपने लिए, कुछ कल्याण का काम, कुछ परोपकार का काम, कुछ सेवा का काम करते चलो, तभी ये मनुष्य जीवन पाने की सफलता है। दूसरी बात और अंतिम बात आज की 2023 साल की अंतिम बात मेरी और आपकी, जीवन में जिंदगी है, जीवन है तो जीवन में समस्याएं भी आएगी, विषम से विषम समस्याएं आ सकती है, लेकिन उस समस्याओं का समाधान कैसे होगा? आप चेहरे लटका दो, दुखी हो जाओ, अशांत हो जाओ, चिंतित हो जाओ, इससे आपकी समस्या का समाधान होगा क्या? इसलिए यहाँ पर जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं, निवेदन है, जीवन में दुख आए कभी भी उदास, परेशान, निराश बिल्कुल मत होइए। ये जीवन में आना ही है, ये जीवन का क्रम है, दुनिया की दस्तूर है। किसके जीवन में इस खुशी देखिए, जिसको हम भगवान कहते हैं, माता सीता, जनक राजा जनक की दुलारी, राजमहलों में फूल के सेजों पर सोने वाली, भगवान राम से ब्याही गई, भगवान राम को वनवास हुआ, वो अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर 14 वर्ष वनवास, जंगलों में, पहाड़ों में, कटीले जगहों पर साथ में साथ मिलकर चले। भगवान राम को शाम को बता, सुबह बताया गया वनवास, या रात को भगवान राम को और सुबह वनवास, लेकिन भगवान राम शांत भाव से, न अपने पिता को गाली दिए, न माता को गाली दिए, चुपचाप चले गए। भगवान राम बन गए, कहाँ गए? बन गए तो उसका बन गया, देखो वो बन गए तो उसका बन गया। इसीलिए तो आज हम पूछ रहे हैं, कोई सी फूलों की सैया पर, डल्लभ के गद्दे पर सोने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता है, इतिहास उसका लिखा जाता है जो संघर्ष करता है, इस विषम परिस्थितियों को चीर कर जो आगे बढ़ता है, उसी का इतिहास लिखा जाता है। फूल के सैया पर खेलने वाले, लौटने वाले, ऐसे तैसे चलने वाले का नहीं होता है, इसलिए उस इतिहास में आपका भी नाम उन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। कभी भी जीवन में विषम परिस्थितियां आए, दुख आए, दुखों का पहाड़ टूट पड़े, दुखों की बारिश हो, तो तुरंत सुख और शांति की छतरी खोलें, फिर उन बारिशों से आप आसानी से बच जाएंगे। इसलिए जितने भी मेरे भाई बहन, माता बहने, मेरे पिता स्वरूप आप लोग बैठे हैं, निवेदन है, जीवन में दुख आए, अशांति आए, उसको रौंदते हुए आगे बढ़े। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, अशांत और परेशान उसके समाधान ढूंढिए, जहां समस्या वही समाधान। जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हाँ, एक समस्या की समाधान नहीं, वो क्या है? आपकी यदि समस्या ही काल्पनिक है, कुछ का कुछ मन में सोच रहे हो, तो उसकी समस्या कैसे, समाधान कहां से मिलेगा? क्योंकि आपकी समस्या काल्पनिक है। तो जीवन को बहादुरी पूर्वक जिए, आपके पास इतनी शक्ति और समर्थ है कि आप अपने जीवन को अमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। सत्संग यही सिखाता है, जहां जीवन बदलता है, जीवन बदलने की यही जगह है। आप देखिए दुनिया में कितने पढ़ाई, कितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, किसके लिए? बाहरी शिक्षा, लेकिन जीवन निर्माण की बातें कहां होती है? आपके गांव में ही देखिए, किसी से गलती होगी तो समाज जरूर दंडित करते हैं, लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति से गलती ही ना हो, इसका कोई समाधान ही नहीं, उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं है। इसलिए जिस घर में, जिस परिवार में रहते हो, सबके साथ आत्मतुल्य व्यवहार करें, बहू से, बेटे से। ये 4 दिन की जिंदगी है भाई, किसी हमारी बहने से, बहुओं से, सास से न जमती हो तो आज इस सत्संग से सुनकर जाकर अपनी सासू माँ की पैर जरूर छू लेना।
किसी बाप बेटे में न जमता हो तभी ये सत्संग का लाभ होगा। ये बहुत बड़ा यज्ञ है और यज्ञों में तो देखे काजू किशमिश बादाम स्वाहा स्वाहा। चलिए मैं भी आज मंत्र पढ़ रहा हूँ, अपने अपने अंदर की कमजोरियों का यही स्वाहा करिए, वो बचने ना पाए, रौन दो उसको। ये सत्संग इतने आप लोग मेहनत करके मेहनत की गाढ़ी कमाई, हम लोग आपसे दो चार पैसा लेने के लिए नहीं आते हैं। आपका प्यार और जो सदगुरु और संतों ने जो अभियान छेड़ा है सदगुरु कबीर साहब के विचारों को पहुंचाने के लिए, आप कहीं 10,000 भी दे दोगे वो कोई हमारे लिए मायने नहीं रखता है। इसलिए आप लोगों के लिए ही संत गुरुजन हमारे हित के लिए ही आते हैं। छोटे छोटे गलियों में कुछ इतनी कड़कड़ाती ठंडी में क्या जरूरत थी। यदि हम लोग अपने आश्रम के घेरे से जिंदगी भर न निकले तब भी खाने पीने की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमने 25 साल इस साधना के जीवन में 21 साल में घर छोड़े, अब तक एक भी कपड़े हम खरीद कर नहीं पहने। जो भी खाते हैं पीते हैं जो भी करते हैं आप लोगों के दिए हुए ही से करते हैं। और हमें पता है हमें भूख लगने नहीं, भूख लगेगी आप लोग आएंगे दाल भात रोटी सब्जी खिलाकर ही जाएंगे। हमें भूखा आप नहीं देख सकते, हम लोगों को विश्वास है। हम अपने माता पिता घर बार तो छूट गया, घर में थे तो एक माँ थी एक पिता थे, आज हमारे हजारों माँ हैं हजारों पिता हैं। कितने बहने हैं, घर में थे तो दो चार बहने थी लेकिन यहाँ तो कितनी बहन, जितनी माताएं सब माताएं हैं सब बहन। हमने घर से निकलकर उन्नति ही की है, एक दो में नहीं अटके कितने सब पूरे दुनिया की माता बहने हमारी माता बहन। इसलिए बंधुओं संत जन आपके आंगन तक आते हैं, उनके आह्वान को उनके विचारों को आप गंभीरता से समझें और जीवन में उतारें। आप लोगों की खुशी हमारी खुशी है, क्योंकि हमारे परिवार हमारे घर आप लोग हैं। आप लोग अच्छा से रहते हैं तो हम लोगों को प्रसन्नता होती है, हम लोग अच्छे से रहते हैं तो आप लोगों को, भले ये खून का रिश्ता नहीं है लेकिन प्रेम का निश्चा भक्ति का रिश्ता ये बहुत बड़े महत्व रखता है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जीवन के हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहिए। परेशानियाँ आए कोई बात नहीं, इसको भी हम झेल लेंगे। अरे इससे बड़ी बड़ी परेशानियों को रौंद डाले तो ये क्या चीज है। अच्छी सोच रखोगे, समझ अच्छी होगी, अच्छी भावनाओं की जब अंदर में तरंग उठेगी, अच्छी भावनाओं की ज्वार भाटे जब उठेंगे तो देखना बड़ी बड़ी समस्याएं सामान्य लगेगी। और जहां आप अशांत हो जाते हैं उलझ जाते हैं तनाव में टेंशन में जब आ जाते हैं तो छोटी छोटी समस्याएं जिसको आप ऐसे ही लांग जाओगे वो बड़ी महसूस होती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन, अपनी जिंदगी को हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते हुए, जो गुनगुनाता है उसको भुनभुनाना नहीं पड़ता है और जो व्यक्ति भुनभुनाता है फिर वो गुनगुना नहीं पाता है। इसलिए गुनगुनाना सीखेंगे तो भुनभुनाना समाप्त हो जाएगा। चलिए मेरे साथ दो लाइन गुनगुना लीजिए, बोलिए सद्गुरुदेव की। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु ज्ञान हमको दीजिए। और मस्त होकर गाइए, कितने लोग शर्मा रहे हैं और कितने लोगों को सिर्फ ओंठ हिल रहे हैं, कोई कोई बगल वाले देख रहे गा रहे कि नहीं गा रहे। ऐसा मत करिए, प्रेम से ईमानदारी से अपने लिए भजन करिए। सदगुरु का ये भजन है कीर्तन है, गुनगुनाइए। आज गुनगुनाने का मौका भी बताया ना, हमारे वृद्ध बुजुर्ग भक्त थे आज बेचारा बोल ही नहीं पा, हाथ पैर सब चल रहे सिर्फ मुंह बंद हो गया। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता
ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को से कीजिए। एक बार और सुनिए, ट्राई अगेन। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, समस्त ग्राम वासियों की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय।